Stage to Stardom mein presenting the Garda Girl, Akina! कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसे होते हैं कि हम देखते हैं, समझते हैं और विश्वास होता है कि हाँ अच्छा है. बट सम परफॉर्मेंस आपको देखना नहीं है, आपको महसूस करना है. ये वो वाला परफॉर्मेंस था. थैंक यू सो मच सर. तेरा नाम अकीना, यू आर अ इनक्रेडिबल परफॉर्मर. You don't need to be coached कि कैसे perform करूँ उस गाने को, कैसे महसूस करूँ. No no no, you are a master in this. Thank you so much sir. और आपके साथ भी एक गुरुजी खड़े हैं. So this is going to be a deadly combination, yeah? This is one of the most powerful jodis to watch out for. All the very best, Chumeshwar. Thank you sir. Thank you so much. Aish. You too, always, man, always. Thank you so much. Thank you so much, friend.
Akina, आप टॉप 12 में आके आप मैंने सुना आप घर चली गई थी हाँ मैम तो क्या रिएक्शन हुआ मैम एक्चुअली मैं जब टॉप 12 में आई थी मतलब मैं आई भी थी अकेले और अभी टॉप 12 में हूँ मैं सिलेक्ट हो गई हूँ फिर भी मैं अकेली हूँ जब मैं टॉप 12 में थी मैं बहुत खुश थी कि मैं जाऊँ घर पे मम्मी को बताऊँ सारी चीज़ें हुई मैं जाके दिखाई तो उनको उनका रिएक्शन कुछ भी नहीं था मैंने ऑडिशन दिया था तब गीता माँ ने मैंने बोला था कि वो मेरी माँ माँ जैसी लगती है क्योंकि मेरी मम्मी का भी नाम गीता है उन्होंने मुझे बोला था आई लव यू तो मैं सोच रही थी कि मेरी मम्मी मुझे हक करे वो आई लव यू मैं उनसे सुनूं आपका ऑडिशन मेगा ऑडिशन उन लोगों ने टीवी पे नहीं देखा अब तक मैम उनको अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा कि मैं एक स्टेज में हूँ और मैं परफॉर्म कर रही हूँ मैं खुद के लिए स्टार बन गई हूँ बट मैं अपने घर वालों के लिए अब तक नहीं बनी हूँ मैं ऑलवेज अकेली हूँ और ऑलवेज ऐसी अकेली फील होती हूँ सी ऐसा है ना डोंट मिसअंडरस्टैंड योर पेरेंट्स मेरे माता पिता भी ऐसे ही हैं सेम टू सेम मैं इतने चैंपियनशिप्स जीत के आता था सिंगिंग डांसिंग एक्टिंग थिएटर कुछ नहीं पैसे का ये शौक है अमीरों का क्या कर रहा है तू तू पढ़ा लिखा है बट इवेंचुअली जब पैसे आने लगे डांस के जरिए फिर थोड़ा 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 विश्वास बढ़ने लगे एंड नाउ दे आर हैप्पी दे आर नॉट अगेंस्ट यू दे जस्ट वॉन्ट टू सी यू स्टेबल ये जो आपके पेरेंट्स हैं मैं इनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो भी बच्चे आगे जाते हैं वो 100 और 1000 में नहीं लाख में कमाते ही हैं। राइट। जय भैया हाँ जी अब चलो गैस करो हाँ कि अगला डांसर कौन सा आ रहा है मैं आपको एक हिंट दूंगा चलो बताओ ब्रूसली जैसी बॉडी उसके बाद 90s के शाहरुख खान जैसे हैं। 90s के शाहरुख खान नहीं समझ में आया यार चलो आपको आखिरी हिंट देता हूँ हाँ उसको सब कमबैक किंग के नाम से जानते हैं अच्छा समझ गया और पहचान भी लिया जिसके स्टेप स्टेप में है कंटेम्प्री का दम बोलो हर्ष केसरी सो डांस का तड़का लगाने आ रहे हैं द बेस्ट बाजीगर हर्ष केसरी और उनके साथ है उनके कोरियोग्राफर बाबा प्रतीक पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों सालों की तपस्या के बाद जब भगवान शिव जी ने अपनी आंखें खोली तब उनकी आंखों से निकला आंसू का बूंद धरती पर आ गया तब रुद्र यानी कि शिव जी और अक्ष यानी कि अश्रु से जन्म हुआ रुद्राक्ष का क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है जो सच्चाई का साथ देता है और वही रुद्राक्ष बुराई का विनाश करता है। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का दूरे बन, दूरे की मस्ती में
सकती है दुनिया पार लगेगा बोली के सहारे बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम 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 बोले बोले जो आप करते हो प्लीज आप दोनों हमारे सर पे चढ़ जाइए आपने ये कह दिया तो क्राउन भी आप ही दोगे है डांस का तड़का एक ही बात आपने कंटेम्प्रेरी के साथ तांडव जोड़ दिया और ये जो रुद्राक्ष के बीच से जो निकला है ना कमाल कर दिया हर्ष इट्स ओके हर्ष इट्स ओके टुडे इज अ गुड डे वेरी गुड यो अरे देखा और प्रतीक बाबा अगर उधर बैठे होते तो क्या बोलते थे मेरे को जरा जानना है ये बाबा भी चुप बैठते हैं इसके सामने तो भाई जो पिछले हफ्ते साथ लेकर आए थे वो लात खाकर हालात बन चुके तो बालक ये जीवन है इसी तरह लात खाते रहो और आगे बढ़ते रहो बालक मैं कह रहा हूँ अनिकेत अनिकेत तुम्हारी नौकरी खतरे में है जय भैया मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ क्या दिखना है मैं यार उसको हमेशा टोकते हो यार अनिकेत तू बोल बेटा मैं ऐसा कुछ करूंगा कि आज से पहले किसी एंकर ने वो नहीं किया होगा बता इंडियन टेलीविजन पर करूं जल्दी हाँ। करो हाँ। हाँ। एक नया एंकर था दीवाना सा एक नए जज पर वो मरता था और ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में जब भी छोटी मोटी बातें होती हैं तो मैं बस यही कहता कि जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं एक सांस लेना और दूसरा सांस छोड़ना किरण करिश्मा मैम हेलो यस ये क्या था अनिकेत क्यों था चुस्त परफ्यूम वो हग हगी क्या जो चुस्त ना हो ये मेरी नई कंपनी है नई कंपनी पेन से लिखा है वो भी
इतने भी पैसे नहीं है कि प्रिंट मकर के लेके आ जाओ। परफ्यूम, परफ्यूम की स्पेलिंग भी रॉन्ग है। परफ्यूम। I was gonna do something very corny, guys. Aniket, तुम पागल हो, तुम जोकर हो। तो गाइस चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। मैं और जय आपके साथ बने हैं इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 4 में और जोरदार तालियां प्रतीक और हर्ष के लिए। सब अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाए, बस जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन गाइस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।